फेसबुक पे ना एक लड़की है, लड़की या लड़का मुझे नहीं पता, फेक अकाउंट है, मिस्टी मिस्टी ब्लॉग बोल के, उसका बैकेट में थोड़ा और, तो जो 1 मिनट का वीडियो होता है इसके पीछे मेहनत 2-3 घंटा। हे एवरीवन, तो आज मैं और मेरे पतिदेव के बारे में कुछ सच बताने वाली हूँ। और ये देखो, हाय मेरे पतिदेव, जिनको आप लोग शॉर्ट्स में देखते हो हमेशा, मेरे पतिदेव। तो मैं ये सच बताने वाली हूँ कि पहले देख लो टाइम कितना हो रहा है। ये देखो 11:15 बज रहा है ना, 11:15 बज रहा है। तो सच ये है कि सारा दिन का जो काम होता है ना, पूरा सारा दिन का, मैंने काम ख़त्म करके अभी मैं जस्ट ऊपर अपने कमरे में आई हूँ, खाना पकाना, मतलब सब कुछ जो करना पड़ता है, सब कुछ करने के बाद, और इसके बीच में जो मैं शॉर्ट्स दिखाती हूँ आप सबको, उसको शूट करना होता है। तो और ये जो इंसान देखते हो मेरे पतिदेव, आप लोग मतलब सोचते हो कि कोई कोई कमेंट करता है ये आपके पति क्या जॉब करते वगैरह वगैरह, ये देखो ये है ना, काम करते हैं लेकिन हम दिखाते नहीं है। वो 1 मिनट का वीडियो होता है हमारा, तो उसमें हम जो स्क्रिप्ट सोचते हैं या कुछ भी, उसको हम बना लेते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर दिखा देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, आप लोग जो एक मिनट का वीडियो देखते हो ना, समझते हो कि ये तो 1 मिनट का वीडियो है कि इतना मतलब बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको बनाने में, जो शूट करने में टाइम तो थोड़ा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन उसको एडिट करने के लिए और वॉइस ओवर देने के लिए इतना टाइम चाहिए होता है ना कि कोई इंसान तो परेशान हो जाएगा। तो जो 1 मिनट का वीडियो होता है इसके पीछे मेहनत कितना घंटा होगा, 2-3 घंटा उससे ऊपर उसकी मेहनत, हाँ इससे ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो मेरा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई है और सभी सारा दिन का जितना भी काम होता है सब कुछ करने के बाद, और बीच बीच में मुझे मिलता है टाइम, ऐसा नहीं है कि सारा दिन काम ही करती हूँ, लेकिन बीच बीच में जो जितना टाइम मिलता है ना, थोड़ा थोड़ा मैं इस पर भी थोड़ा बहुत एडिट कर लेती हूँ बैठ बैठ के, और फिर रात को मुझे टाइम मिलता है। तो अभी देखो खाना वाना खाते खाते 11 बज जाता है कभी कभी, है ना, मैं इनके पास जाके बात करती हूँ, मुझे अकेले बात करने में अच्छा नहीं लगता। काम करो, आप काम करो, कोई नहीं, चेयर में बैठ जाऊँ? हाँ नहीं, आपके चेयर में बैठती हूँ, क्या हुआ? हाँ मतलब क्या बोल रही थी मैं, खाना वाना खाके आते आते, हाँ देखो मैं जहाँ पे भूल जाती हूँ ना, यही याद करवा के देते हैं मुझे हमेशा। तो सब कुछ, सबको खाना वाना खिला के, पापा जी मम्मी जी को सबको खाना खिला के, हम दोनों खाना खा के हमेशा हम आते हैं 10 बजे 11 बजे, कमरे में आने के टाइम लग जाता है। इसके बाद आपको 2-3 घंटा एडिट करो, वॉइस ओवर दो, इतना टाइम लगता है ना, कभी कभी 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है, तो फिर सो जाती हूँ। और मुझे 6 बजे हमेशा 6 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि हाँ शादी के बाद 6 बजे उठना ही पड़ता है। तो समझ लो कितनी परेशानी होती है, 1 मिनट का वीडियो के पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत होता है। ठीक है, आप लोग जो बहुत ज़्यादा लगता है, और ये इंसान तो सारा दिन काम करती ही है, अपनी ड्यूटी जाते हैं काम तो करती ही है, फिर जो मतलब वीडियो शूट करते हैं, कभी कभी घर पे आते हैं तो आधा घंटा लगता है, हम लोग कर लेते हैं वीडियो शूट। इसके बाद सारा ये भी, जब हम ऊपर आते हैं, मैं तो अपना वीडियो एडिट करती हूँ, इसके बाद वॉइस ओवर देती हूँ, और ये जो दूसरा कमरा है ना, ये सामने वाला, यहाँ पे ये बैठ के अपना ये जो सारा काम होता है ये करते हैं, अभी भी ये काम ही कर रहे हैं, और मैं उनको थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ ना थोड़ा बहुत, कोई नहीं, बस आज मुझे एक वीडियो बनाना था और आप सबको बताना था, तो इसीलिए ये जो ये भी सेम, जब तक मैं वॉइस ओवर देती हूँ रात के 1 बजे 1:30 बजे तक, ये इससे ज़्यादा कभी कभी काम करते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी करते हैं, कभी कभी जल्दी कर लेते हैं, जब उनका मतलब आराम नहीं मिलता है तब भी कर लेते हैं। आय हाय, मैं ऐसे वीडियो नहीं करती हूँ ना, मेरा हाथ में दर्द हो गया। अच्छा रुको सॉरी, तो ये तो इससे ज़्यादा काम करते हैं, तो मुझसे ज़्यादा मेरे वीडियो में ये लोग ये 2 मिनट आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इनका काम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो रात को हम अपना अपना काम करें, जब कमरे में आते हैं ना, दोनों अपना अपना काम लेके बैठ जाते हैं, ये अपना काम लेके बैठ जाते हैं और मैं अपना काम लेके बैठ जाती हूँ, 1:30 बजे तक हमारा काम ख़त्म होता है, फिर हम दोनों सो जाते हैं, फिर ये थोड़ी देर सो पाते हैं, सुबह ज़्यादा भी नहीं सोते, ये 7 बजे तक सोते हैं शायद, लेकिन मैं तो 6 बजे तक उठ जाती हूँ, फिर शुरू हो जाता है ज़िंदगी की कहानी। बस इतना ही बताना था कि 1 मिनट का जो शॉर्ट्स होता है इसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है, तो प्लीज़ आप लोग देखना उसको अच्छे से, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हाँ, ताकि आप लोग देखो और कुछ भी, आप लोग स्माइल करो और मतलब
मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसा करूँ, कोई देख के मेरे वीडियो को देख के थोड़ा तो हंसे स्माइल करे, सो इसलिए। और हाँ, और ये तो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, रात के 1:30 बजे हो या सुबह के 5 बजे, शाम के 5 बजे, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं यार। इतना काम करते करके आते हैं ना, परेशान हो क्या आते हैं। लेकिन मैं जब भी बोलती हूँ मुझे वीडियो करना है बोलते बोलो क्या करना है। और अभी जो बात कर रही हूँ ना, मेरी आंखें देख के थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो कि इतनी नींद आ रही है मुझे। फिर मैंने सोचा, और आज जो मैंने शॉर्ट्स बनाया है ना, मेन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स वीडियो जो बनाया है, इसको मैंने ना एडिट किया है, कितना होगा 30% मैंने एडिट किया होगा। और मैं एडिट नहीं कर पाई क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, इसलिए सोचा ना ये जो लॉन्ग वीडियो है इसको मैं अपलोड कर दूँगी कल सुबह, और शॉर्ट्स वीडियो मैं परसों करूँगी, क्योंकि पूरा दिन लग जाएगा टाइम करने में, साउंड इफेक्ट्स देने में, सब कुछ करने में और वॉइस ओवर देने में, तो मैं कल छोड़ दूँगी। और हाँ, मैं एक बात बताने वाली हूँ, और एक बोल के बहुत सारी बातें बोल रही हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुको, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है यार बाबा, पकड़ो ना एक सेकंड, ये से नहीं, ये से पकड़ो, ओ माँ मांगो। और हाँ, ये बात बताने वालों, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, 2 मिनट, ठीक है। मैं इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि मेरा फेसबुक पेज है, और जो फेसबुक से देख रहे हो मेरा यूट्यूब में चैनल है, मैं दोनों को बता रही हूँ, मैं एक ही वीडियो बना रही हूँ, दो चैनल में मैं अपलोड कर लूँगी, मतलब फेसबुक पे अपलोड करूँगी और यूट्यूब में भी कर लूँगी। तो आप जो फेसबुक से देख रहे हो ना, यूट्यूब में जाके मुझे सब्सक्राइब कर देना, और जो यूट्यूब से देख रहे हो फेसबुक पे मेरा पेज है, तो फॉलो कर देना, ठीक है। और दोनों में सेम ही वीडियो डालती हूँ, प्लीज़ दोनों में फॉलो कर देना, जो जहाँ से देख रहे हो मैं लिंक दे दूँगी वीडियो के नीचे, तो आप लोग फॉलो कर देना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात है, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो एक बात बताना चाहती हूँ कि फेसबुक पे ना एक लड़की है, लड़की या लड़का मुझे नहीं पता, फेक अकाउंट है, मिस्टी ब्लॉग बोल के, उसका ब्रैकेट में थोड़ा और भी क्या है, असली नाम दिया हुआ है, उसकी बायो में लिखा क्या है पता है, रूही शर्मा की फेसबुक अकाउंट रियल नहीं है, इसका यूट्यूब है, कितनी गंदी है यार। हम सब ने उसको रिपोर्ट मारा था, एक बार डिलीट हो गया था अकाउंट, फिर से मेरा पुराना वीडियो उसको उसने अपलोड करते करते ना पूरा वो कर लिया, मिलियन व्यूज कमा रही है। वैसे भगवान के आशीर्वाद से मेरा फेसबुक पे अभी अच्छा चल रहा है, थोड़ा बहुत व्यूज तो आता है, पेज भी बहुत अच्छा चल रहा है आप सबके प्यार की वजह से। लेकिन वो कौन है मुझे समझ में नहीं आता, कैसे करते हैं यार ऐसे लोग, बुरा लगता है कि हम इतना मेहनत करते हैं और ये कितना जाएगा, कितना जाएगी या जाएगा, कितना जाएगा, लोगों का कंटेंट चोरी करके, लोगों का चीजें चोरी करके कितना तक जाएगा, चोर चोर ही रहेंगे। नहीं, बात वो नहीं है, चोरी करे कुछ भी करे, लेकिन इतना मेहनत कर रही है और वो उल्टा मेरी वीडियो छोड़ के मेरी अकाउंट को फेक बोल रही है। तो प्लीज अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हो ना, ये जो मिस्टी ब्लॉग बोल के चैनल है, इसका मेरा जो वीडियो है वो नॉर्मल, अभी नया वीडियो आएगा उसका सब पुराना वीडियो है, प्लीज उसको मत देखो, और प्लीज अगर हो सके तो रिपोर्ट करना या अनफॉलो कर देना, किसी की मेहनत की बात है यार। अच्छा चलो बाबा, आप काम करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करती, कुछ बोल दो, बाय बोल दो, गुड नाइट। गुड नाइट, मैं सुबह छोड़ूंगी, अच्छा ठीक है, गुड नाइट मत बोलो, सुबह छोड़ूंगी, सुबह देखेंगे, ठीक है। ओके, बस यही बताने वाली थी। और अभी क्या है कि आज मैंने शॉर्ट्स वीडियो एडिट 30% किया था, मैंने बोला ना, तो अभी बाकी है पूरा, अभी मैं नहीं करूंगी, 11 के ऊपर बज रहा है। तो मैं ये जो लॉन्ग वीडियो अपलोड किया है, मतलब सॉरी, ये जो लॉन्ग वीडियो मैंने अभी जो बनाया है, आप लोग से बात किया है, तो इसको मैं थोड़ा बहुत एडिट कर लूंगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो एडिट करने में इतना टाइम नहीं लगता है, तो इसको छोड़ दूंगी, अपलोड कर दूंगी मैं कल सुबह। और कल के लिए बस इतना ही, क्योंकि शॉर्ट्स अपलोड करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला, और जो मैं सुबह उठ के एडिट कर लूँ इतना भी मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह उठ के मतलब पूजा देना पड़ता है, फिर चाय बनाना सब पड़ता है ना, तो इसीलिए। तो आप लोग अगर फेसबुक से यूट्यूब से देख रहे हो, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, और मिलते हैं मेरे शॉर्ट्स वीडियो में और अच्छे अच्छे लॉन्ग वीडियो में। अगर आप लोग लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हो ना, किस तरीके देना चाहते हो, ब्लॉग देखना चाहते हो या कॉमेडी प्रैंक कुछ भी, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।